Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I know, बहुत बरसों बाद वीडियो आ रहा है, बट लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा था कनाडा में ही ऑब्वियसली. एंड ये चीज़ मैंने सोचा था कि मैं बहुत आराम से बैठ के शेयर करूँगी कि क्या सब हुआ है मेरे साथ जॉब के रिलेटेड ही. सो गाइज, मैं जॉब ढूंढ रही थी. आप लोगों को मालूम है कि अब ऑलमोस्ट 2 महीने होने आएगा फेब एंड में कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ. एंड अभी तक मुझे जॉब मिली भी नहीं है. मैंने बहुत ढूंढी, मैंने फुल टाइम ढूंढी, मैंने वो भी छोड़ दी क्योंकि कॉलेज के साथ मैनेज नहीं हो रहा था. देन आगे चल के बताती हूँ क्या सीन हुआ है मेरे साथ. सो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है बेसिकली ये वीडियो, कि क्या एक्सपेक्टेशंस थी मेरी. क्योंकि मैं जब कनाडा आई थी तो मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी जगह पे काम कर लिया था, क्योंकि बेस्ट बाय में और ऐसे सब पोजीशंस के लिए काम करना आते ही इनिशियली स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है. मिलता है लोगों को, बट मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे भी मिलेगा, बट मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था वो. सो थोड़े दिन पहले मुझे एक जगह पे काम मिला था. वो बेसिकली इंडियन रेस्टोरेंट था. मैं नाम वगैरह कुछ डिस्क्लोज नहीं करने वाली. सो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि मुझे 3 डेज़ का प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा एंड उसमें मुझे अनपेड काम करना पड़ेगा. सो पहले दिन मैंने किया. गाइस, लिटरली मेरे आँखों में से आंसू आ गए कि मैं कनाडा में ये करने आई हूँ. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरी है. हम इंडिया में क्या क्या बैठे बैठे सोचते हैं कि कनाडा जाके ये करेंगे. बट मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपने पेरेंट्स के 25 लाख रुपीज़ जो हम स्पेंड करके आते हैं और जो हमें यहाँ काम करना पड़ता है, वो वर्थ नहीं है. वो मुझे अब पता चला है कि जो ये हाइप है फॉरेन कंट्री आने की, वो आई डोंट थिंक कि मतलब यार अपनी होम कंट्री में कितना ज़्यादा कंफर्ट मिलता है हमें जो करना होता है हम करते हैं, हमारे पास सपोर्ट रहता है. बट यहाँ पे जो सारे काम करने पड़ते हैं वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं. एंड गिव मी सम टाइम. एंड गाइज, मैंने ये एक दिन काम किया. मैंने सोचा यार नहीं, मैं ये नहीं कर सकती. बट फिर मेरे को ऐसा हुआ, एक आपको पता है जब आपके पास जॉब नहीं होती तब आप ये सोचते हो कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ तो है, मतलब भले ना 3 दिन पैसे नहीं मिल रहे बट एक्सपीरियंस मिल रहा है. तो मैंने भी ये सोच के वहाँ काम किया. फिर मैं मेरा सेकेंड डे कल ही था वहाँ पर, तो मैं गई. सेकेंड डे मैंने काम किया एंड मैंने 5-6 घंटे किए काम. बट एट लास्ट मैं जब काम कर रही थी, मेरे को पता नहीं दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मेरे मॉम डैड ने मुझे ये सब करने के लिए कनाडा नहीं भेजा. एंड लिटरली मैंने अपना बैग उठाया, अपनी जैकेट उठाई और मैं वहाँ से निकल गई बोल के कि सॉरी आई कांट डू दिस एंड आप मैनेजर को बता देना कि मैं नहीं आऊँगी कल से. मैं तुरंत वहाँ से निकल गई ये सोच के. मैंने सिर्फ दिमाग में एक बात सोची कि इसके आगे जो होगा कुछ अच्छा ही होगा, इसीलिए ये हो रहा है. तो मतलब लिटरली मुझे नहीं मालूम मेरे में कहाँ से इतनी हिम्मत आई, क्या मैंने सोच के मैं वहाँ से निकल गई. मेरे पास जॉब भी नहीं है ना, इनकम हो रही है, बट मुझे पता है मेरे घर वालों का सपोर्ट है मेरे पास, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट है मेरे पास. इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने बोला कि ये चीज़ें नहीं कर सकती. और जो कनाडा में इंडियन रेस्टोरेंट का सीन है गाइस, हॉरिबल है. मैं एक ही एडवाइस दूंगी, कभी भी मत काम करना यार. एंड करो भी ना तो अगर वो लोग बोले कि अनपेड देंगे पहले 4 दिन, पहले 1 हफ्ता, मत करो. मैंने भी, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मेरे पास जॉब नहीं थी. सबसे बड़ी गलती यही होती है हमारी कि हमारे पास जॉब नहीं होती और हम कुछ काम करने के चक्कर में हर चीज़ को हाँ बोल देते हैं. जो मैनेजर्स या जो हमें हायर करते हैं, जो हमें वो लोग बोलते हैं, हम हर चीज़ के लिए मान जाते हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे. बट मैंने ये काम करके मैंने ये चीज़ सीखी है कि
कि कभी भी भले ही कुछ भी हो, कुछ पैसे आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, पर ये चीज़ अब मैं कभी नहीं करूँगी कि किसी ने मुझे ये बोला कि आपको अनपेड करना पड़ेगा, आपको ये सब काम करना पड़ेगा तो आप कर लो। तो मैं आज के बाद कभी, मैंने तो ये कसम खाई है कि भाई नहीं, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में तो अब लाइक मैं बहुत ध्यान से अगर पेड रहेगा तो ही करूँगी, वरना मैं नहीं करने वाली। क्योंकि जो काम वो लोग करवाते हैं ना, आपका पूरा बॉडी एग्जॉस्ट कर देंगे वो लोग। लाइक आपको समझ, मैं लिटरली मैं वो सिनेरियो अगर बता दूँ ना आप लोग को, आप लोग ये वीडियो देख के रो दोगे सीरियसली। सो ये सब हो रहा था, इसलिए मैं, मेरा मूड भी ठीक नहीं था और मैं कुछ शूट भी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी ये देखती है एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखते हैं ये एंड जो ये सुनेंगे, अभी मैं शूट तो कर रही हूँ, जो ये सुनेंगे उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है। बट मैंने सोचा कि नहीं, ये बताना ज़रूरी है कि जो एक्सपेक्टेशन हम इंडिया में बैठे बैठे देखते हैं कि हाँ यार, जाते ही बैंक में जॉब करेंगे, वाइट कॉलर जॉब करेंगे, हाई पोजीशंस पे जॉब करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल तक काम करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड अभी परसों ही मैं एक मूवी देख रही थी, धुन की, आप लोगों ने देखी ही होगी, शाहरुख खान की मूवी है। एंड वो मूवी देख के लिटरली मैं रो दी थी कि एग्जैक्टली कैसे लोग मरते हैं बाहर आने को। मैं सीरियसली आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप सोच भी रहे हो ना कैनेडा आने का, तो वो मूवी देखो। आपको पता, लाइक एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, वो होगा कि यार हाँ, ये मतलब क्या है। सो गाइज, यही मेरे को बताना था। एंड लाइफ में अभी यही सब चल रहा था, अब मैंने सोच लिया है अब आराम से जॉब ढूंढूंगी और कुछ अच्छी जगह पे जॉब ढूंढूंगी। क्योंकि जब से मैं कनाडा आई थी, मैं ये तो सोच के आई थी कि मुझे फूड चेन में नहीं जाना, बट कहीं अच्छी जगह मिलेगा जहाँ फन हो वहाँ करूँगी, वरना मैं नहीं घुसने वाली इन सब में अब तो। और अगर आपको भी ऐसा सब फेस करना पड़ रहा हो, तो मेरी एक ही एडवाइस है कि प्लीज़ मत करो यार, मत करो। भले एक महीना नहीं कमाओगे चलेगा, मैंने लिटरली घर पे भी यही बोला अपने कि मैं एक महीना अर्न नहीं करूँगी, मुझे चलेगा, बट मुझे ये सब काम नहीं करने। एंड जिस रेस्टोरेंट में मैंने काम किया था उधर, लाइक मोस्टली नॉन वेज, और कनाडा में तो आपको हर जगह नॉन वेज ही मिलेगा, सो नॉन वेज, और मैं प्योर वेज। मैंने एग भी मैंने ट्राई किया है खाने का, बट मैं नहीं खा पाती, मुझसे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। ऐसा नहीं है कि टेस्ट अच्छा नहीं लगा, ये नहीं, बट मैं नहीं खा पाती। बट वो रेस्टोरेंट में मैंने लिटरली काम किया सब चीज़ों के साथ, भले ही मैंने ग्लव्स पहन के किया काम, बट करना पड़ता है। सो ये बहुत ज़्यादा, ये 2 दिन की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ थी, और अभी भी कोई मेरे से ये बात करता है ना ट्रेनिंग, मेरा लिटरली मेरे आँख में से आंसू आ जाते हैं कि प्लीज़ मुझसे मत पूछो ये बातें। सो जो भी ये वीडियो देख रहा है, लाइक मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, मैं इसमें भी पॉजिटिव ही ढूंढ रही हूँ कि मैंने अगर ये छोड़ा है तो मेरे साथ आगे कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। एंड मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा यही बिलीफ रखो कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एंड आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा कुछ होने वाला होगा, तभी ये चीज़ हुई है। सो गाइज, यही चल रहा था, यही अपडेट मुझे देना था। एंड नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी एक इंटरव्यू डालने वाली हूँ, एंड मैंने माइक्स भी ऑर्डर कर दिए हैं फाइनली। मेरे पास जो माइक था वो मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं चल रहे, अब मैंने न्यू माइक ऑर्डर कर दिया अमेज़ॉन से, अब वो आएंगे, तब देखते हैं कैसे, लाइक अब इंटरव्यू, बहुत बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट मुझे बनाने हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए। एंड आई होप कोई डिप्रेस ना हो, कोई डीमोटिवेट ना हो, काम मिलेगा बट टाइम लगेगा, और बस यही याद रखना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको मोटिवेशन मिली हो मेरी स्टोरी जान के, आप भी इन सब चीज़ों में ना फंस जाओ जो मैंने सोचा और जो मैंने कर दिया। मेरे पास काम ना होने की वजह से मैंने सोच लिया कि चलो कर लेते हैं, ये मत करना। और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो अगर कोई भी डाउट है, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अब थोड़ा कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करूँगी,
अब ऐसे गायब नहीं होंगी यूट्यूब से. सो मिलती हूँ आप अगले वीडियो में. बाय फॉर नाउ.